आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश में लगातार बढ़ रहे टीबी के मरीजों की संख्या को देखते हुए 2018 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बच्चों के लिए गोद लेने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को 101 टीबी रोग से ग्रस्त बच्चों को गोद लेना होगा, जिससे 2025 तक भारत टीबी रोग से मुक्त किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा चलाई गई उत्तर प्रदेश में एक नई स्कीम है, जिसमें हर विश्वविद्यालय को दायित्व दिया गया है कि 101 बच्चों को गोद लेगी जो टीबी से बीमारी से जो है ग्रस्त हैं। उसी की श्रृंखला में हमारे साथ सीएमओ साहब हैं, जिनको राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया है, साथ में 101 बच्चों के लिए सामान और कुछ चीज़ें भेंट की गई हैं। सर, ये बताएं किस तरह की मुहिम राज्यपाल द्वारा चलाई गई है? सर, ये 2018 में महामहिम राज्यपाल द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोद लिए जाने के लिए कहा गया था। इसमें हमारे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा, साथ में सामाजिक सेवी संस्थाओं द्वारा इसमें बहुत सारे टीबी के रोगियों को गोद लिया गया है। और बड़े हर्ष का विषय है कि 2018 से अब तक कोई भी एक भी बच्चा डिफ़ॉल्ट में नहीं गया है, जिनको भी गोद लिया गया सब के सब ठीक हुए हैं। और ये मुहिम बहुत ही प्रेरणादायी है। हम लोग ने करीब 2755 बच्चों को गोद विभिन्न स्वयंसेवी सेवाई संस्थाओं द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें करीब 80 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने इनको गोद लिया है। और इसमें अब 18 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को, विशेषकर सारी महिलाओं को और लोगों को भी लिया जा रहा है, जिससे कि सभी बच्चों को और सभी लोगों को हम टीबी से मुक्त कर पाएँ। नहीं बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, पर 2018 से राज्यपाल द्वारा चलाई जा रही है, पर राज्यपाल ने आज अपने उद्बोधन में भी कहा कि 5 में से जो है एक बच्चा टीबी से ग्रस्त हो रहा है। सर, उसका मतलब कारण क्या है? सर, देखिए, ये एक संक्रामक रोग है। कारण यही है कि जब तक इलाज नहीं होगा, रोगी को हम इलाज नहीं करेंगे, वो संक्रामक बना रहेगा और संक्रमण फैलाता रहेगा। सीएमओ साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह आप प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, वह काफ़ी सराहनीय है, पर राज्यपाल द्वारा ये निर्देश जो दिए गए हैं, इसके साथ मतलब कोई जो स्वयंसेवी संस्थान है या फिर लोग खुद भी किसी तरह भी इनको गोद लेके कहीं ना कहीं जो 2025 में जो लक्ष्य रखा गया टीबी मुक्त भारत का रखा गया, तो कहीं ना कहीं उसको फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है। आप इस समय क्योर रेट 90% से ऊपर हो चुका है, जितनी भी डिफ़ॉल्ट होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि टीबी के रोगी के उपचार में ये महत्वपूर्ण होता है। अगर वो लगातार ट्रीटमेंट नहीं लेता या बीच में छोड़ देता है तो वो फिर रेजिस्टेंट हो जाता है और उसका टीबी का उपचार थोड़ा दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसे में ये गोद लेने का जो अभियान है, इससे पूर्ण उपचार मिल रहा है। सीएमओ साहब ने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह राज्यपाल द्वारा ये एक नई पहल शुरू की गई है, इससे कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को ज़रूर लाभ मिलेगा जो इससे काफ़ी अछूते थे या फिर नहीं पहुंच पा रहे थे। समाज से भी संस्थाएं भी बहुत आगे बढ़ के आ रही हैं। सीएमओ साहब भी उन लोगों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इससे अधिक जो संख्या अभी 2700 से अधिक जो अभी ज़िले में संख्या है, वो कहीं और बढ़े और हर बच्चे तक ये स्कीम पहुँच पाए। कैमरामैन अनुप बघेल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़।